प्रधानमंत्री के गोद लिए गए गांव डोमरी में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए पूर्व रणजी खिलाड़ी अरविंद श्रीवास्तव द्वारा स्थापित कालीचरण क्रिकेट अकादमी में 14 से 19 वर्ष तक के क्रिकेट खिलाड़ियों का चयन परीक्षण संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा गोद लिए गए गांव डोमरी पड़ाव में पूर्वांचल क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी अरविंद श्रीवास्तव द्वारा स्थापित कालीचरण क्रिकेट अकादमी में एक क्रिकेट परीक्षण ट्रायल का आयोजन 17 अक्टूबर रविवार को किया गया। पूर्वांचल के लगभग समस्त जिलों के खिलाड़ियों ने इस ट्रायल में हिस्सा लिया। क्रिकेट के इस ट्रायल में वाराणसी के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ियों जैसे धर्मेंद्र मिश्रा, नासिर अली, अनिल श्रीवास्तव, प्रमोद राय इत्यादि ने अपनी पारखी नजरों से इन खिलाड़ियों को जांचा। इस परीक्षण में 60 से ज्यादा 14 से 19 वर्ष की उम्र के बच्चों ने भाग लिया। इस ट्रायल में जितने भी बच्चों ने हिस्सा लिया उनमें से 30 खिलाड़ियों को अगले 15 दिनों तक लगने वाले निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर के लिए चयनित किया जाएगा। इस परीक्षण शिविर की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूर्व रणजी खिलाड़ी एवं रणजी सेलेक्टर नासिर अली, पूर्व रणजी खिलाड़ी धर्मेंद्र मिश्रा, पूर्व रणजी खिलाड़ी अनिल श्रीवास्तव, नॉर्थ ईस्ट रेलवे के कोच प्रमोद राय सरीखे दिग्गज क्रिकेटर अपने अनुभव और क्रिकेट की बारीकियों को बच्चों को सिखाएंगे। आज जो ट्रायल हुआ उसके मुख्य अतिथि थे प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गिरिजा प्रसाद। अब कम से कम कोई एक्सीडेंट होता है तो हमारे बच्चे जो है समझें कि वो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं है बल्कि वो सेवा करें समाज की भी, और अगर वो अच्छा खेलते हैं तो देश का नाम भी रोशन करेंगे। और पहली बात ये नहीं रही कि पहले जो है अब तो काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है, अगर कोई बच्चा कोई गोल्ड मेडल लाता है या कोई कांस मेडल भी लाता है तो उसको काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है और आर्थिक सहायता भी मिलती है कि अर्थाभाव में हम नहीं खेल रहे हैं, स्थिति बहुत ख़राब है जी। तो उस हालत में तो काफ़ी स्थितियां सुधरी हैं और आप लोगों का सबसे बड़ा अच्छा लगा कि इस डुमरी गांव में रूरल एरिया है फिर भी आप लोगों ने यहां व्यवस्था बनाया तो जिससे जो है हमारे गांव का विकास होगा, उनको बड़ी प्रसन्नता। उनके अंदर लगन होनी चाहिए जी, अत्यधिक लगन ही उनको आगे बढ़ाएगा जी। जो बच्चों के अंदर एक मेहनत करने की क्षमता और लगन होगा वही आगे बढ़ेगा। अली भाई जो भी किए हैं अकेडमी खोल रहे हैं और प्लस प्रशिक्षण स्पेशल दे रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बच्चे के अंदर टैलेंट होगा जो आगे आएगा और 16-19 यूपी से रणजी ट्रॉफी खेलेगा। और ये काली भाई का पहल बहुत अच्छा पहल है और बच्चे मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे। ऐसा देखा गया है कि जो ट्रायल्स यूपीसीए के होते हैं उसमें यहाँ से बच्चे आगे तो जाते हैं लेकिन एक लेवल पे जाकर वहाँ से उनकी छटनी हो जा रही है, तो क्या उसमें किस तरह की कमी आप लोग को लगता है कि बच्चों के अंदर होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जिस बच्चे के अंदर टैलेंट होता है जी उनकी सिलेक्शन कन्फर्म होता ही जी। ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कमी हो और सिलेक्टर नकारा हो जी, या तो छोड़ दिया हो कि भाई नहीं बहुत बेहतरीन प्लेयर हों और उनको जो है सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। ऐसा तो हम लोग देखने में 2500 साल से देख रहे हैं, ऐसा नहीं होता। जो ये सोच रखते हैं वो गलत रखते हैं। बिल्कुल देना चाहिए जी। और मानसिक संतुलन को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, चाहे किसी भी स्पोर्ट्स का बच्चा हो जी। ये तो सबसे बड़ी चीज़ है क्योंकि टेम्परामेंट वहीं से डेवलप होगा। छोटे छोटे कस्बों से छोटे छोटे शहरों से जो है अच्छे अच्छे लड़के निकल रहे हैं और वो आईपीएल के थ्रू इंडिया टीम तक जा रहे हैं। यहाँ भी पूर्वांचल में टैलेंट की कमी शुरू से नहीं रही है। हम लोगों ने काली भाई को, अनिल भाई को, इन लोगों को देख के क्रिकेट सीखी और रणजी स्तर तक गए और मुझे लगता है काली भाई ये करके लड़कों को प्रोत्साहित करके इनका कैंप लगा के इनको अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं और इसके बेस पे कुछ लड़के हो सकते हैं यहाँ से टैलेंटेड मिले जो आगे जाए। ये कालीचरण क्रिकेट एकेडमी के द्वारा प्रशिक्षण शिविर पूर्वांचल के सभी जिलों के लिए किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर 15 दिनों के लिए लगाया गया है और इसमें गरीब असहाय निःशुल्क असहाय बच्चों के लिए जो प्रतिभावान हैं क्रिकेट खेलना चाहते हैं उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। सच के साथ।